जर्मनी के दारुलहुकूमत बर्लिन में भी ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। ब्रांडनबर्ग गेट पर अमरीकी सफारतखाना बर्लिन के सामने यूरोप में मकीम अमरीकी, जर्मन, मैक्सिकन और खुसूसन सियाफा मुजाहरीन ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए जिंसी, नस्ली, मजहब पर मबनी नफरत आमेज बयानात पर तंज भरे प्लेकार्ड भी उठा रखे थे। ट्रंप मुजाहरे में कोई अमरीकी नौ मुंतखब सदर के इस्लामोफोबिक बयानात से खफा था। You should be able to go to school, walk down the street at night with your Muslim beliefs and not have to feel scared for your life, and he needs to stand up against this and I don't know if he's going to. तो कोई डोनाल्ड ट्रंप की आलमी माहौल दोस्त पॉलिसी की मुखालफत का सताया था। He's not supporting the Paris Agreement. I think it's incredibly dangerous for the world. जबकि चंद नाकदीन का कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की फाशिस सोच और दीवारें मेक्सिको जैसे ख्यालात से खौफजदा हैं। The wall is only one symbol, no? Because the border is the border, no? States just elected a psychopath for president. I think we are all here because at the same time we are all really scared. जर्मनी के दारुलहुकूमत बर्लिन में अमेरिका के नौ मुंतखब सदर के खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जर्मनी और यूरोपीय हुक्मरान अपने इकदार के लिहाज से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करें। इरफान आफ्ताब, जियो न्यूज़, बर्लिन।